हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर अ न्यू वीडियो। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू यूज एक्सनेस प्लेटफॉर्म। एंड इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बहुत ही आसान भाषा में गाइड करा हुआ है कैसे आप एक्सनेस प्लेटफॉर्म को यूज़ करोगे, वहाँ पर जितने भी फीचर हैं, जितने भी टूल्स हैं, उनका क्या यूज़ है, कहाँ पर करना है, किस तरीके से करना है, हर एक चीज़ मैंने यहाँ पे डिटेल में आसान भाषा में समझाया हुआ है। सो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, बिकॉज इसके अंदर मैंने जो चीज़ें आपको समझाई हैं सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मैंने खुद का एक इंडिकेटर डेवलप करा हुआ है जो आपको स्कैल्पिंग करने में काफी हेल्पफुल होगी, और ये इंडिकेटर आपको बाइंग सेलिंग का सिग्नल देता है और ये जो एक्यूरेसी देती है 80-90% की। तो इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं देन आप देख सकते हो, वाई बटन पे लिंक है और डिस्क्रिप्शन भी आपको लिंक मिल जाएगा। इस इंडिकेटर को पाने के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि जब तक आप एक्सनेस प्लेटफॉर्म को यूज़ करना नहीं सीखोगे तो फिर क्या काम आपके इस इंडिकेटर का। तो बाइंग सेलिंग करना आपको आना चाहिए, स्टॉप लॉस एंड टारगेट सेट करना आना चाहिए। तो वीडियो देखकर आप मुझे इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज का ये अमेजिंग वीडियो। तो चलिए जानते हैं कैसे एक्सनेस प्लेटफॉर्म यूज़ किया जाता है और यहाँ पर जितने भी टूल्स हैं उनका क्या यूज़ है, कहाँ पर आपको यूज़ करना है। एंड अभी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा मैंने एक्सनेस का वेब टर्मिनल ओपन करा हुआ है और यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि यहाँ पर आप ऊपर के साइड में देख सकते हैं सेल, बाय, लॉट, पेंडिंग, टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉसेस। तो ये कब यूज़ में आता है, कैसे इसका यूज़ करना है, एंट्री ऑर्डर कैसे लगानी है, एग्जिट ऑर्डर कैसे लगानी है, स्टॉप लॉस टारगेट कैसे सेट करना है, पार्शियली प्रॉफिट कैसे बुक करनी है, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड साथ में आप देख पा रहे हो नीचे एक साइड में ओपन, पेंडिंग एंड क्लोज, ये क्या चीज़ें हैं। एंड यहाँ पर जितने भी टूल्स हैं इन सभी टूल्स का यूज़ क्या होता है, एंड ऊपर के साइड में जो टूल्स हैं इनका क्या यूज़ है, एंड यहाँ पे जो आपको दिख रहा है XAU USD, EURUSD, USD JPY, ये सभी चीज़ें क्या हैं। एंड यहाँ पर आपको ऊपर के साइड में भी कुछ आपको दिख रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पे GBP USD, BTC EURUSD एंड XAU USD, एंड ये सब चीज़ें कैसे आप भी ऐड कर सकते हो अपने वेब टर्मिनल में। एंड अभी आप जो देख रहे हो मेरा डेमो अकाउंट देख रहे हो, मैं डेमो अकाउंट के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, और कैसे आप अपना रियल अकाउंट ओपन करोगे ये भी मैं आपको बता दूंगा, और किस टाइप का आपको अकाउंट ओपन करना चाहिए ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पर हम एक एक करके डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे सीखेंगे एंट्री एंड एग्जिट ऑर्डर, ठीक है। एंड यहाँ पर काफ़ी लोगों का जो माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई आपने ये कैसे ड्रॉ किया, रेड जोन और ग्रीन जोन, काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं, पिछले वीडियो में भी काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आई थी, सो इस वीडियो में इसको कवर कर लूँगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि बाइंग ऑर्डर कैसे लगाना है। सपोज़ हमें यहाँ पर मार्केट बाइंग के साइड में जाता हुआ दिख रहा है, देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन में मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। एंड इसका कलर अभी वाइट है तो मैं इसको ब्लैक कर दे रहा हूँ। ये देखो मैं ट्रेंड लाइन यहाँ पे मार्क कर दिया, एंड ऊपर के साइड से यहाँ पे एक अच्छा सा रेजिस्टेंस दिख रहा है हमें। तो हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस से सेलिंग ऑर्डर करते हैं। तो मुझे अगर यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर लगाना है तो मैं सिंपली यहाँ पे सेल पे क्लिक करूँगा, एंड यहाँ पर देखो न्यू सेल ऑर्डर, एड स्टॉप लॉस एंड यहाँ पे एड टेक प्रॉफिट का ऑप्शन मुझे क्लियर दिख रहा है, ठीक है। तो मुझे अगर यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर लगानी है तो मैंने यहाँ पे सेल पे क्लिक करा, एंड सिंपली यहाँ पे मुझे लॉट साइज फिल करना है, मैं कितने लॉट से यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2 लॉट फिल कर दिया, एंड उसके बाद मैं कंफर्म पे क्लिक करूँगा तो मेरा यहाँ पे एंट्री हो चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरी एंट्री हो चुकी है, अब मुझे यहाँ पे स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगाना है, और ये जो ग्रीन जोन और रेड जोन ये कैसे ड्रॉ करते हैं ये भी मैं आपको बता दूँ। मैंने यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर लगाया, ठीक है। तो मेरा जो प्रॉफिट होगा जब मार्केट नीचे गिरेगा तो प्रॉफिट होगा, तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट पोजिशन पे क्लिक किया, एंड यहाँ पे सिंपली क्लिक करके अपना हमने टारगेट डिसाइड किया कहाँ तक का टारगेट है, एंड स्टॉप लॉस हमने यहाँ पे डिसाइड कर लिया, ओके। अब मुझे यहाँ पे एसएल रखना है और यहाँ पे टारगेट रखना है। तो ये कैसे रखेंगे, नीचे के साइड में आप ध्यान से देखना, अभी मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ें क्या होती हैं, ओपन, पेंडिंग एंड क्लोज।
तो ओपन में आप देख पा रहे हो दो लॉट से हमने पहला ट्रेड लिया है यूरो यूएसडी में, जो कि यहाँ पे ओपन दिखा रहा है एंड यहाँ पे ओपन प्राइस जिस पे हमने ट्रेड अपना एग्जीक्यूट करा था एंड यहाँ पे दिखा रहा है करेंट प्राइस जहाँ पे मार्केट अभी करेंट टाइम में ट्रेड कर रहा है। सो अब हमें स्टॉप लॉस एंड टारगेट सेट करना है, तो हम यहीं से अपना स्टॉप लॉस एंड टारगेट सेट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे टीपी दिया है, मतलब टारगेट पॉइंट, आपको ऐड पे क्लिक करना है टारगेट पॉइंट सेट करने के लिए। स्टॉप लॉस सेट करने के लिए आपको ऐड पे क्लिक करना है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे टारगेट लगाना है, तो मैं सिंपली इसको ड्रैग करके नीचे के साइड में यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा एंड ड्रॉप करने से ही यहाँ पर देखो ये आ चुका है 220। मैं इसको मॉडिफाई कर दूंगा, ठीक है। तो मॉडिफाई करते ही आप यहाँ पर देखोगे तो अपना जो टारगेट पॉइंट है ये यहाँ पे लग चुका है, ठीक है, 1.06874, ठीक है। यहाँ पर देखो ग्रीन जोन में 1.6877, ठीक है, यहाँ पे हमारा टारगेट पॉइंट लग चुका है, ठीक है। अगर मार्केट यहां तक आती है तो मेरा ट्रेड यहां पे ऑटोमेटिक कट हो जाएगा, $222 में हमारा ट्रेड यहां पे प्रॉफिट में क्लोज हो जाएगा। एंड सेम ऐसे ही हम स्टॉप लॉस को भी लगा सकते हैं। मुझे यहां पर ऐड स्टॉप लॉस पे क्लिक करना है एंड यहां इसको ड्रैग करके ऊपर के साइड में यहाँ पे ड्रॉप करना है और यहाँ पे मॉडिफाई ऑर्डर पे क्लिक करना है। जैसे मैं इतना करूँगा तो मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस एंड टारगेट दोनों यहाँ पे सेट हो चुका है। स्टॉप लॉस मेरा है 144 USD का एंड प्रॉफिट एंड लॉस आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे लग रहा है कि आपका जो ट्रेड है आपके अगेंस्ट जा रहा है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस जो रखा हुआ है ये हिट हो सकती है, तो आप इसे एक क्लिक में आउट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो कट का साइन दिया है इस पे जैसे आप क्लिक करोगे आपका पोजीशन क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो एक क्लिक में आपका पोजीशन क्लोज हो गया। अब यहाँ पर हमने सीखा क्या, कैसे एंट्री करनी है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, टारगेट कैसे लगाना है और ये रेड एंड ग्रीन का जो जोन ड्रॉ करते हैं किस कैसे ड्रॉ करना है हम देखेंगे कि ये कहाँ पर मिलेगा ये भी मैं आपको बताऊँगा और कैसे मैंने टूल को यहाँ पर ऐड करा हुआ है ये हम आगे देख लेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने सीख लिया एंट्री एग्जिट टारगेट स्टॉप लॉस। अब देखते हैं पेंडिंग ऑर्डर क्या है। यहाँ पे आपको पेंडिंग दिख रहा है ना, अब यहाँ पे ये पेंडिंग ऑर्डर है क्या, इसका यूज़ कैसे करते हैं। सपोज़ हमें यहाँ पे कोई ऑर्डर पेंडिंग में रखना है, जैसे कि मार्केट इसके नीचे आएगा तो मेरी एंट्री होगी या फिर इसके ऊपर जाएगा तो मेरी एंट्री होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं चूज़ करूँगा कि मुझे क्या करना है, बाइंग या सेलिंग। अगर मुझे सेलिंग करना है तो मैं पहले सेल पर क्लिक करूँगा और उसके बाद में पेंडिंग ऑर्डर पर क्लिक करके इसको ऑन कर दूँगा एंड इसके बाद ड्रैग करके मैं इसे यहाँ पर ड्रॉप करूँगा जहाँ पर मुझे सेलिंग का ट्रेड प्लान करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया एंड उसके बाद मैं यहाँ पे टेक प्रॉफिट पे क्लिक करके अपना प्रॉफिट देख सकता हूँ कितना मुझे प्रॉफिट मिलेगा। अगर मार्केट यहाँ तक आता है तो मुझे $216 की प्रॉफिट होगी एंड यहाँ पे ऐड स्टॉप लॉस पे क्लिक करके मैं स्टॉप लॉस भी यहाँ पर रख दे रहा हूँ, तो $130 का अपना SL भी यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर लगाकर चेक कर सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे एंट्री करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस एंड टारगेट कितना आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंफर्म कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ ताकि एंट्री करके मैं आपको दिखा पाऊँ, ओके। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर रख दिया है एंड देखते हैं ये हमारा एग्जीक्यूट होता है या नहीं। तो देखो आपके सामने है, थोड़ा सा भी स्पेस बच रहा है। अगर ये हमारा एक कैंडल थोड़ा सा रेड बनाता है तो मेरी एंट्री यहाँ पे बन जाएगी। चलिए ये एंट्री बनने से रही, मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर ड्रैग कर रहा हूँ एंड यहीं पे मैं ड्रॉप कर दे रहा हूँ मॉडिफाई, ठीक है। चलो अब तो एंट्री बन जाओ, ठीक है। देखो अब यहाँ पे एंट्री बन चुकी है एंड हम लोगों का यहाँ पे लॉस चल रहा है, ठीक है। इसके नीचे मार्केट निकलेगा तो अपना प्रॉफिट होगा एंड टारगेट के पास में आ जाता है तो अपना अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट बन जाएगा, ठीक है। अप्रोक्स यहाँ पे अपना टारगेट डिसाइडेड है, ठीक है, एंड अपना स्टॉप लॉस इस लेवल पे है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपना पेंडिंग ऑर्डर लगाकर चेक कर सकते हो कि जिस पॉइंट पे आप एंट्री कर रहे हो उस पॉइंट से आपका स्टॉप लॉस एंड टारगेट कितना है एंड जब मार्केट वहाँ पहुँचेगा तो आपको स्टॉप लॉस कितना देना है और टारगेट कितना देना है, ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी पहले से ही पता रहेगी, ठीक है। तो कैलकुलेटेड आपका रिस्क हो गया एंड आपका कैलकुलेटेड रिवॉर्ड भी यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। तो अभी हमने इस सेगमेंट में हर एक चीज़ को समझ लिया है कैसे यहाँ पे काम आती है, सेल बाई लॉट साइड पेंडिंग एंड टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस वही है जो मैंने यहाँ पर आपको बताया है। जैसे भी हमें यहाँ पे टेक प्रॉफिट पे हमने क्लिक किया तो अब यहाँ पे हमें टेक प्रॉफिट लगाना होगा। तो ये देखो यहाँ पे न्यू ऑर्डर अपना दिखा रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कन्फर्म करेंगे सेलिंग में करना है ना।
अभी जो हमारा ट्रेड चल रहा है इसको भी आप एक क्लिक में कट कर सकते हो। जैसे आप इस पर क्लोज पोजीशन पे क्लिक करोगे कट के साइन पे, यहाँ पे सारा ट्रेड कट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जितने टूल्स दिख रहे हैं इन सभी टूल्स का क्या यूज़ है, चलो एक एक करके हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एंड यहाँ पर जो पहले जो यहाँ पर एरो दिख रहे हो ना, ये आपका डॉट है, जो ये कर्सर देख रहे हो वो डॉट हो गया। एंड यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये एरो हो गया। ठीक है, और ऐसे ही आपका ये इरेजर भी है, यहाँ पर देखो ये हम इरेज कर सकते हैं। केवल यहाँ पे ड्राइंग ही होगा, बट ये देखो चीज़ें नहीं हो रही हैं, डिलीट करनी पड़ेंगी। कोई बात नहीं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैं क्रॉस पे इसको अच्छा फिल करता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन, रे, आपको इन्फो लाइन बहुत सारे मिल जाएंगे, बट यहाँ पे मैं जनरली तीन चीज़ों को यूज़ करता हूँ जो आपके सामने है, ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन और पैरेलल चैनल। ठीक है, एंड यहाँ पे स्टार का साइन दिया है, इस पर क्लिक करोगे तो जो अभी मेरे पास में ऊपर में आप देख सकते हैं ये वाली चीज़ें, इतनी जो टूल्स यहाँ पे ऐड किया हुआ है, ये सभी चीज़ें आप स्टार पे क्लिक करके ऐड कर सकते हो अपने वेब टर्मिनल में। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे आपका फिबोनाची टूल है जो कि मार्केट में रिवर्सल का पता लगा के बताता है कि कहाँ से रिवर्सल हो सकती है। एंड उसके बाद में यहाँ पे आपका फिबोनाची टूल है जो कि आपके रिवर्सल का पता लगाता है, आपको लो टू हाई मार्क करना है या फिर हाई टू लो, आप देख सकते हैं कि 0.5 पे आएगा तो आपको वहाँ से एग्जिट का प्लान करना चाहिए। ठीक है, एंड वैसे ही आपको यहाँ पे आना है, लॉन्ग और शॉर्ट पोजिशन दोनों मिल जाएगा। शॉर्ट पोजिशन मतलब कि आपने पुट बाई करा हुआ है, एंड लॉन्ग पोजिशन का सेंस ये है कि आपने ऊपर जाने का प्लान करा हुआ। ठीक है, यानी कि मार्केट ऊपर जाएगा इस लेवल तक और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन ड्रॉ कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आता है आपका रेक्टेंगल, एंड यहाँ पर मैं रेक्टेंगल को यूज़ करता हूँ अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए। ये मेरा हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया मेरा सपोर्ट, ऐसे मैं ड्रॉ करता रहता हूँ। ठीक है, तो रेक्टेंगल को भी आप स्टार पे क्लिक करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट का है, कुछ भी अगर आपको यहाँ पर मेंशन करनी है तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। ठीक है, एंड उसके बाद स्माइली है, यहाँ पे आइकन्स मिल जाएंगे, यहाँ पे आपका मेज़र मिल रहा है, इस लेबल से मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है ये आप इसको मेजर कर सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे प्लस का साइन दिया है, इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो ये जूम इन का फीचर है, जिस भी चैनल को जूम करना चाह रहे हो उस पर आप क्लिक करके ऐसे एक बॉक्स बनाओ एंड ये जूम हो जाएगा। ठीक है, आप देखो यहाँ पे जूम हो गया, हर एक कैंडल आपको काफ़ी जूम होकर दिख रहे हैं। ठीक है, एंड वापस से आप इस पर माइनस पे क्लिक करोगे तो जूम आउट हो जाएगा और आपका कैंडल बिल्कुल नॉर्मल दिखेगा आपको यहाँ पर। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पे हाइड का है, लॉक का है, एंड लॉक पे जैसे क्लिक करोगे तो जितनी भी ड्राइंग है ना ये सभी चीज़ें आपके लॉक हो जाएंगे, यहाँ से रिमूव नहीं होंगी जब तक कि आप यहाँ पे अनलॉक नहीं करोगे। एंड उसके बाद यहाँ पे हाइड का है, इस पर आप क्लिक करोगे आपके सारे इंडिकेटर्स और आपके ड्राइंग यहाँ से हाइड हो जाएंगे। एंड यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट पर जैसे क्लिक करोगे हर एक ड्राइंग और यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है, टूल्स मैंने आपको बता रखी है एंड किस तरीके से अप्लाई करनी है आप देख सकते हैं। ये मैं यहाँ पे करीब 6 टूल्स है जो मैं प्रॉपर यहाँ पे यूज़ करता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, टोटल यहाँ पे 7 टूल्स हैं जो मैं पर्सनली यहाँ पे यूज़ करता हूँ। एंड यहाँ पे हम नेक्स्ट हम देखते हैं, इस साइड में आप देखोगे तो एक्स यूएसडी यूरो एंड यूएसडी जेपीवाई, ये सेगमेंट हम कैसे पेयर्स को कैसे हम ऐड करते हैं, तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है। सपोज़ आपको यहाँ पे AUD JPY को ऐड करना है तो आप यहाँ पे टाइप करोगे AUD JPY। ठीक है, मैंने यहाँ पे टाइप किया, यहाँ पर आ गया AUD JPY, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखो AUD JPY ऐड हो चुका है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप यहाँ पर जिस भी करेंसी को ऐड करना चाहते हैं आप बहुत ही आसानी से यहाँ पर ऐड कर सकते हैं AUD CAD। ठीक है, मैं यहाँ पर AUD CAD टाइप कर दिया एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जस्ट वेट अ सेकेंड, यहाँ पर देखो AUD CAD AUD/CAD, इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो AUD CAD भी यहाँ पर आपका ऐड हो चुका है। एंड यहाँ पे ये आपका है ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस कैनेडियन डॉलर, ठीक है, यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो इसी तरीके से आप जिस भी सेक्टर में किसी भी पेयर में ट्रेड करना चाहते हैं, जैसे GBP JPY में, तो आपको इस पर क्लिक करना, ये चीज़ें यहाँ पर ऐड हो जाएंगी एंड यहाँ पर आप इसमें भी प्लान कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे ऑलमोस्ट हम लोगों ने सारा चीज़ें कंप्लीट कर लिया है एंड यहाँ पे BTC है, GBP USD है, कैसे ऐड करना है ये भी मैंने आपको बता रखा है। अब हम देखते हैं नीचे के साइड में जो ओपन ऑर्डर है, पेंडिंग ऑर्डर है, क्लोज ऑर्डर है, ओपन, पेंडिंग, क्लोज। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पर 1 मिनट, कैंडल, फिबोनाची,
ये सब चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे, फिर उसके बाद वीडियो हमारी एंड हो जाएगी। सो वीडियो को एंड करने से और ब्रीफली देखने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। और साथ में अगर आपको एक परफेक्ट इंडिकेटर की नीड है तो आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे आप हमसे कॉन्टेक्ट करें, आपको ये इंडिकेटर बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, आप इससे स्कैल्पिंग कर सकते हो क्रिप्टो फॉरेक्स एंड इंडियन मार्केट में। ओके, तो अभी जाकर मुझे आप व्हाट्सअप करें। एंड अब हम फाइनल टॉपिक पे आ जाते हैं, पेंडिंग और क्लोज। ओपन तो मैंने आपको बता दिया, पेंडिंग एंड क्लोज पे देखते हैं। तो क्लोज पे हम उस ट्रेड को देखेंगे जिस ट्रेड में हमने प्रॉफिट एंड लॉस बुक करा हुआ है। ये चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाएंगी, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ। ये देखो, हमने यहाँ पे डेमो में दो ट्रेड प्लान किया था एंड यहाँ पे दोनों का लॉसेस प्रॉफिट दिख रहे हैं इस साइड में। ठीक है, तो ये डेमो था तो उससे कुछ उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं पेंडिंग ऑर्डर की। तो सपोज़ हमें यहाँ पे कोई भी पेंडिंग ऑर्डर लेनी है तो हम पहले यहाँ पे देखेंगे बाइंग करना या सेलिंग करना है। हमें यहाँ पर बाइंग करना तो बाइंग पे क्लिक करूँगा, पेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक करूँगा एंड कंफर्म करूँगा तो यहाँ पे मेरा पेंडिंग ऑर्डर लग चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे पेंडिंग में जो है वन काउंटिंग आ रही है। जैसे पेंडिंग पे क्लिक करोगे तो आपको यही ट्रेड दिखेगा कि हमने यूरो यूएसडी में दो लॉट से ओपनिंग प्राइस है 1.06979 इस पर बाइंग हम लोग का लगा हुआ है एंड यहाँ पे करेंट प्राइस चल रहा है। ठीक है, तो अब यहीं से आप स्टॉप लॉस एंड टारगेट भी सेट कर सकते हो। मैंने ऐड पे क्लिक करा एंड यहाँ पे मेरा टारगेट आ चुका है, मुझे बाइंग का प्लान है तो एटलीस्ट मार्केट मुझे 200 से 250 पॉइंट दे सकता है यूएसडी में। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं और यहाँ पर आपको मॉडिफाई कर देना है तो आपका यहाँ पर टारगेट सेट हो चुका है। सेम वैसे ही आपको स्टॉप लॉस सेट करना है, आपको क्लिक करना है और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपको कैंडल के लो पे एसएल रख देना है 76 एंड यहाँ पे मॉडिफाई कर देना है। एंड अब देखो यहाँ पे हमारा हो चुका है पेंडिंग ऑर्डर एंड जैसे अपना पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे क्लोज होता है तो ओपन ऑर्डर में आ जाएगा और यहाँ पर देखो अपना जो ऑर्डर है ये एग्जीक्यूट हो चुका है, अभी ये हमारा ओपन ऑर्डर में आ चुका है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है इसके इंटरफेस को समझना, मैंने हर एक चीज़ को कवर किया है। ऊपर के साइड में आपको यहाँ पर वन मिनट दिख रहा है तो काफ़ी लोग यहाँ पे स्कैल्पिंग करते हैं, कुछ लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो उनको अलग अलग टाइम फ्रेम की नीड होती है। तो यहाँ पे आप क्लिक करके एक मिनट, पाँच मिनट, पंद्रह मिनट, तीस मिनट, एक घंटे, चार घंटे, वन डे, वन वीक, वन मंथ, वन ईयर, ऐसे करके आप यहाँ पर देख सकते हो। और आगे का यहाँ पर है कैंडल्स एंड यहाँ पे आप देखो काफ़ी कैंडल्स के टाइप्स आपको दिख जाएंगे, बार कैंडल, होलो कैंडल, लाइन विथ मार्क्स, स्टेप लाइन, एरिया, एचएलसी एरिया, सब चीज़ें यहाँ पर आपको दिख रही हैं। ठीक है, तो हमें जो मेजरली हम यूज़ करते हैं ये कैंडल्स यूज़ करते हैं जो यहाँ पर आपको बना हुआ दिख रहा है। एक सेकेंड में आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये देखो जो कैंडल्स है सेकेंड नंबर पर, इसको हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं और लाइन को भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर लाइन पे क्लिक करोगे तो ये सभी चीज़ें लाइन में हो जाएंगी और यहाँ पे कैंडल पे क्लिक करोगे तो कैंडल्स बन जाएंगे जो कि आपको प्राइस एक्शन का मोमेंटम बताते रहते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे इंडिकेटर का है तो आप इंडिकेटर पे क्लिक करोगे एंड जो भी कोई इंडिकेटर आपको लगाना है, सपोज़ यहाँ पर हमें बोलिंगर बैंड्स लगाने हैं तो मैं बोलिंगर बैंड्स को यहाँ पर सर्च करूँगा। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पर सर्च किया बोलिंगर, सर्च किया बोलिंगर बैंड। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे इसको फेवरेट कर दिया, यहाँ पर देखो बोलिंगर बैंड यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप भी अपने एक्सनेस के वेब टर्मिनल में ईएमए लगा सकते हो, वेब टर्मिनल में इंडिकेटर लगा सकते हो और इसी तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। बहुत ही बेसिक चीज़ें मैंने आपको कवर किए, बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको समझाने का पूरा कोशिश करा हुआ है एंड अगर आपको समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, एंड नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा और डीपली और इजी वर्ड में समझाने का। ठीक है, एंड रही बात यहाँ पे अकाउंट ओपन करने की रियल, तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है डिपॉजिट के सेक्शन में एंड यहाँ पे आपको क्लिक करना है डिपॉजिट ऑन रियल अकाउंट। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर बहुत सारे टाइप्स के अकाउंट मिल जाएंगे एंड हर एक टाइप्स का जो अकाउंट है उसका अलग वर्क है। ठीक है, तो एक सेकेंड मैं यहाँ पर देखता हूँ, शायद मेरा अकाउंट पहले से इस नए वाले अकाउंट में बना हुआ होगा। ठीक है, तो ये मेरा न्यू अकाउंट है
एंड यहाँ पर मुझे माई अकाउंट के ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर देखो मेरा यहाँ पे रियल अकाउंट अभी तक बना ही नहीं है, ठीक है। इस अकाउंट में मेरा अभी कोई भी रियल अकाउंट नहीं है, तो मैं सिंपली यहाँ पर ओपन न्यू अकाउंट पे क्लिक करूँगा। सो यदि आप फुल टाइम ट्रेडर बनना चाह रहे हो और आप यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं पे करना चाहते हो एज अ स्प्रेड या फिर कोई कमीशन, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं जीरो प्रोफेशनल। बिकॉज यहाँ पे आपको देखो क्या मिल रहा है, 500 USD मिनिमम डिपॉजिट एंड यहाँ पे आपको स्प्रेड जीरो मिल रहा है एंड कमीशन यहाँ पे आपको देना पड़ेगा 0.05, ठीक है। एंड यहाँ पे नो कमीशन बट स्प्रेड इसमें है, इसमें भी स्प्रेड नहीं है बट इसमें जो कमीशन 3.50 USD का है एंड यहाँ पर भी स्प्रेड है। सो मुझे ये जीरो प्रोफेशनल काफ़ी अच्छा लगा। अगर आप इसको यूज़ करना चाहें इस अकाउंट को, तो आप इस अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सो अभी यहाँ पे आपको वापस से देखना है, जो मैक्स लेवरेज है आपको 2000 नहीं करने हैं, इसको आप 1:200 कर देना। एंड उसके बाद यहाँ पे आप करेंसी पेयर को सिलेक्ट कर सकते हो, INR या फिर USD। आप यहाँ पे देखो मैं INR सिलेक्ट कर दिया रुपीज में। सो वहाँ पे जितने भी ट्रांजेक्शन दिखेंगे वो सभी अमाउंट INR में ही मुझे दिखेगा, ओके। तो मैं इसको वापस से USD कर दे रहा हूँ बिकॉज USD देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको पासवर्ड क्रिएट कर देना, कुछ भी आप पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लो। पासवर्ड फिल करने के बाद अब आपको यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देना है। आपका अकाउंट यहाँ पे रियल वाला ओपन हो चुका है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देखो रियल MT5 जीरो अकाउंट का टाइप्स है एंड यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो, जीरो USD यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो देखकर काफ़ी मज़ा आया होगा। इस वीडियो के अंदर मैंने जो चीज़ें आपको बताई है सभी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया हर एक चीज़, एक भी पॉइंट मैंने मिस नहीं होने दिया, हर एक चीज़ को कवर कर लिया। तो आपका काम है अब कमेंट सेक्शन में अपना रिस्पांस देना कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या समझ में आया और आप इस वीडियो से कितना सीखे हो, ये सब चीज़ें आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।